नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। कश्मीर में सेना की अच्छाइयों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है, सेना पर आरोप भी लगते रहे हैं। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, कश्मीर में सेना पर उत्पीड़न के बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन पिछले दिनों सेना ने एक आतंकवादी के बेटे को बचाया। देखिए, ये निश्चित तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण घटना है और ऐसा अक्सर होता है, ये ऐसा नहीं कि एकलौती घटना है, लेकिन एक ऐसे समय में जब देश में कश्मीर मांगे आजादी के नारे लग रहे हों और बहुत सारे लोग, मुझे आश्चर्य ये हुआ है कि बात केवल उमर खालिद की नहीं है, बात केवल अनिर्बान भट्टाचार्य की नहीं है, उसके दोस्त कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला जो है वो निश्चित तौर पर विवादित है, अमेरिका भी मानता है तो हमें मानने में। तो इस देश में जब इस तरह का एक विमर्श चल रहा हो जिसमें आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप किस मुद्दे पर किस तरीके की चर्चा कर रहे हैं, जो लोग इतिहास नहीं पढ़ पाए, जिनको ये पता नहीं है कि भारत में रियासतों का मिलन किस तरीके से हुआ था, और जब आखिरी वायसराय जो थे माउंटबेटन वो जब गए थे तो उनकी सरदार पटेल की और नेहरू जी की किस तरीके से बात हुई थी, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी, हम सलाउद्दीन के बेटे को जिस तरीके से बचाया है सेना ने, उस पर जरूर आएंगे। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जूनागढ़ की रियासत भी ऐसे ही मिली है, भोपाल की रियासत भी ऐसे ही मिली है, हैदराबाद के निजाम को मिलाने के लिए कितनी दिक्कतें हुई और सरदार पटेल को क्या कड़े कदम उठाने पड़े। तो क्या इन सब की आजादी के नारों को भी आप उसी तर्क में, उसी विमर्श में, उसी चाशनी में, उसी चश्मे में देखेंगे? हमको यह समझना पड़ेगा कि जो लोग सोचते हैं कि कश्मीर में सेना अत्याचार कर रही है कि वो सेना वहां गई क्यों है, वहां यह तय करना मुश्किल हो गया था कि लोग कौन है और आतंकवादी कौन है, और युवाओं को एक पूरा सिलसिला चला है भड़काकर देश के खिलाफ बरगलाने का, और उसकी हवा तो अब हम देख ही रहे हैं कि देश की राजधानी तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में जब हमारे सामने एक पंपोर का इतनी बड़ी जो मुठभेड़ हुई उसमें घटना सामने आती है कि सलाउद्दीन, जिन्होंने इस हमले को लेकर आतंकवादियों की पीठ ठोंकी, उनका खुद का बेटा वहां पर उस बिल्डिंग में मौजूद था जहां पर आतंकवादी पनाह लेने के लिए भागे थे, और जब वहां से आम नागरिकों, और वो नमाज पढ़ रहा था उस वक्त शाम की, तो सब 23 लोग जो पहले निकाले गए खेप में उसमें वो शामिल था, और उनको बख्तरबंद गाड़ियों में बिठाकर सेना ने सुरक्षित निकाला। ये घटना देशवासियों को ठीक से मालूम होनी चाहिए, और यही कारण है कि हम आज इस पर वार्ता भी कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि एकलौती घटना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मानवाधिकार आयोग के लोग और देश के दूसरे लोग भी सोचते हैं कि सेना वहां केवल अत्याचार ही कर रही है, वहां जुल्म कर रही है, सेना को वहां से हटा लेना चाहिए, अफ्सपा हटा लेना चाहिए, उनको यह समझना चाहिए कि सेना के इस तरह के कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर उसने लोगों को बचाया है। ये हो सकता है कि कुछ शोषण की, ज्यादती की घटनाएं हुई हों, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन पर जांच हो, उन पर कार्रवाई हो। जिस तरह समाज में खराब लोग हैं उसी तरह हो सकता है कि सेना में किसी व्यक्ति ने किसी वक्त कोई गलत कदम उठाया हो, लेकिन उस वजह से पूरी सेना को गलत मानना और यह मानना कि केवल मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। मैं इसके साथ एक और घटना याद दिलाना चाहूंगा कि जब अभी दो बार बड़ी झेलम नदी से बाढ़ आई वहां पर श्रीनगर में, तब भी हमने देखा था कि सेना के जवानों ने लगातार किस तरीके से लोगों की जान बचाई थी। भूखे प्यासे लोग जिनमें दो दो तीन तीन मंजिलों तक पानी भर गया था, वहां से लोगों को निकाला गया था, उनको और उनके खिलाफ भी नारेबाजी करने से लोग नहीं चूके थे। तो इन हालातों को इसीलिए लगातार देश के सामने और दुनिया के सामने लाया जाना जरूरी है। जगत जी, पंपोर में मुठभेड़ चल रही थी तो कुछ लोगों ने सेना पर पथराव किया, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। हालात वहां के जो हैं कश्मीर के, वो वहां जाकर ही समझने पड़ेंगे। सेना ने वहां मोर्चा संभाला है और सेना वहां पर मौजूद है, वो किस कारण से मौजूद है। देश के लोगों को दरअसल न केवल कश्मीर में, जम्मू तो अभी फिलहाल हालात ठीक हैं, कश्मीर जाना चाहिए, घाटी में जाना चाहिए, बात करना चाहिए, और घाटी से आगे फिर उनको लद्दाख ले उस तरफ भी जाना चाहिए, और वहां पर जो चीन की सीमा लगती वहां जाना चाहिए, वहां पर मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, जो पेंगोंग झील है वहां जाना चाहिए। तब आपको पता लगेगा कि हमारे सैनिक किन मुश्किल हालातों में काम कर रहे हैं, देश की सरहदों पर किस तरह जहर और बारूद बिछाया जा रहा है। आम जो कश्मीरी है वो निश्चित तौर पर अपनी जिंदगी जीना चाहता है, पैसे कमा, वो अमरनाथ यात्रा में भी पैसे कमाता है, वो जब वहां पर गर्मी में लोग घूमने जाते हैं तो शिकारों पर लोगों को रुकवाता है, उनसे भी पैसे कमाता है, उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन इन्हीं के बीच में अलगाववादी तत्व भी हैं जो वहीं पर रहते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं, हिंदुस्तान के पासपोर्ट हैं, हिंदुस्तान का की वजह से ही उनका रोजगार और कामकाज चल रहा है, लेकिन वो हिंदुस्तान से ही अलग हो जाने वालों का साथ दे रहे हैं। आपके घर में कोई व्यक्ति आ जाएगा जो आपका घर तोड़ना चाहता है, क्या आप उस व्यक्ति को अपने घर में रहने की इजाजत देंगे?
क्या उसके साथ आप अच्छा व्यवहार कर पाएंगे? मुझे लगता है बहुत बुनियादी जो सवाल हैं उनका जवाब ढूंढे बिना हम पता नहीं किस दुनिया में चले जाते हैं जहां पर हमें इस तरह के ख्याल, आजादी के ख्याल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई इनकार नहीं है, होना चाहिए। अगर कोई ऐसा भौगोलिक टुकड़ा है जिस पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तो निश्चित तौर पर उसकी आजादी की बात की जा सकती है, लेकिन मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि पाकिस्तान के जो कब्जे में हमारा कश्मीर है उसकी बात हम नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर का आधा हिस्सा कब्जा लिया, वहां से सेना वापस नहीं हो पाई, और भारत के नक्शे को तभी पूरा किया जा सकता है, और वहां पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, वहां की जिंदगी लोगों की कैसे नरक हो चुकी है, वहां की महिलाओं का जीवन कैसा नारी, कुछ वीडियो भी अभी हाल ही में सामने आए थे जहां पर पाकिस्तान की पुलिस और सेना किस तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर में अत्याचार करती है, वो दृश्य देखकर हम ये बता सकते हैं कि वहां के लोग कैसा नारकीय जीवन जी रहे हैं। आप यहां पर चंद घटनाओं का उल्लेख कर भारत की सेना को लगातार बदनाम करते हैं, लेकिन पामपोर में जो सलाहुद्दीन है जिसने इन आतंकवादियों की फीट ठोकी, आतंकवादियों का सरगना है, लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता है, उसका जो बेटा है सईद बुईद, जब वो उस बिल्डिंग में जो इंजीनियरिंग विभाग की बिल्डिंग थी जहां पर आतंकवादी घुस गए थे, उस बिल्डिंग में आईटी विभाग में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, और जब लोगों को बाहर निकाला तो सलाहुद्दीन के बेटे को व्यवहार, जो सेना ने भेदभाव नहीं किया, उसने केवल यह देखा कि नागरिक सुरक्षित निकल जाएं और उसके बाद वो आतंकवादियों से सीधे मुठभेड़ करें। ऐसा नहीं लगता कि सेना के खिलाफ जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? ये बहुत लंबे समय से षड्यंत्र चल रहा है और इस षड्यंत्र का जवाब देने का वक्त आ गया है, और इस षड्यंत्र का जवाब इस तरह की घटनाओं को अच्छे तरीके से दुनिया के सामने लाकर किया जा सकता है। पत्रकारिता का भी ये धर्म है कि हम इस तरह की घटनाओं को सामने लाएं। इसमें यह नहीं है कि हम केवल सेना का अच्छा रूप ही बताना चाहते हैं, अगर सेना के अत्याचार के कोई मामले हैं, उसके तथ्य हैं, ये घटना है जिसका प्रमाण है, सेना के प्रवक्ता का भी बयान आया है और इस घटना का अब हम सभी जगह उल्लेख देख सकते हैं। इसी तरह अगर सैनिकों ने कोई अत्याचार किया है, उसका प्रमाण है, उसका जिक्र है, तो उसकी चर्चा होगी। लेकिन फिर एक बात कि उसी वजह से पूरी सेना को उसी रंग में रंग देने की जो साजिश है, हम उसके खिलाफ हैं। हिंदुस्तान की सेना जिन विपरीत परिस्थितियों में शांति और युद्ध दोनों ही समय पर देश में रक्षा का काम कर रही है वो उल्लेखनीय है, हम उसको सलाम करते हैं, बल्कि उन क्षेत्रों में अगर हिंदुस्तान की सेना नहीं होगी तो स्थितियां कितनी भयावह हो सकती हैं इसकी कल्पना वो लोग नहीं कर सकते जो केवल वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं, खादी का कुर्ता और जींस पहनकर बदलाव की ख्वाब देखते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, युवाओं के अंदर चिंगारी होना चाहिए, जोश होना चाहिए, पर आप बदलाव क्या चाहते हैं और किससे चाहते हैं? हिंदुस्तान के कई गांवों में भुखमरी है, शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, लोग उनको तरह तरह से बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वहां पर जाकर विकास के कार्यों के नाम पर अपना एजेंडा चला रहे हैं, उनसे लड़िए ना जाकर। मुझे उन युवाओं की जरूरत है, इस देश को उन युवाओं की जरूरत है जो देश के गांवों की सूरत बदल सके, देश के गांव के युवाओं का शहरों की ओर पलायन रोक सके, शहरों में भी जो गरीबों के साथ वंचितों के साथ जुल्म हो रहा उसके खिलाफ खड़े होने वाले युवा चाहिए। लेकिन देश के ही खिलाफ खड़े होने वाले युवाओं को देखकर लगता है निश्चित तौर पर वैचारिक धरातल पर उनको इस तरीके के विचारों से जोड़ा गया जो देश के खिलाफ है, देश हित के खिलाफ। जयदेव जी, चूंकि पीओके की बात हुई है तो हाल ही में यह भी देखना होगा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पीओके को पाकिस्तान के पास रहने दें। मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला जी ने शायद ये सोचा होगा कि ये व्यवहारिक नहीं है और इसलिए उन्होंने बयान दिया, लेकिन मुझे लगता है बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को प्राप्त करने की जारी रहना चाहिए। भारत का जो नक्शा हम दिखाते हैं वो दरअसल उसमें पाक अधिकृत कश्मीर भी शामिल है, और जब तक वो सचमुच हमारे साथ नहीं जुड़ जाता भारत का नक्शा अधूरा है। न केवल नक्शा अधूरा है, ये सच की लड़ाई है। ये तय हो गया था कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहेगा, भारत का अभिन्न अंग रहेगा, तब कबायलियों का आक्रमण हुआ, उसमें पाकिस्तान के सैनिक घुसे और उन्होंने जिस तरीके से उस धरती को कब्जाने की कोशिश की, वो तो भारत से अगर सेना भेजकर हमने इस लड़ाई को नहीं लड़ा होता तो जो कश्मीर अभी है वो भी हमारे हाथ से चला गया होता। तो आपने लड़के जमीन के टुकड़े को छीना है, कोई कागज, कोई संधि, कोई समझौता, कोई निर्णय ये नहीं है जो पाकिस्तान के पक्ष में हो, उसके बावजूद आप उस पर अपना कब्जा, अपना हक जताते हैं। ये तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा था जिसको नेहरू जी के हम मानते हैं कि एक ऐतिहासिक भूल है जो उसको संयुक्त राष्ट्र में ले गए। देखा जाए तो फिर जूनागढ़, भोपाल, निजाम जो की जो रियासतें शामिल हुई हैं उनका मामला भी इसी तरीके के विवाद में फंसना चाहिए। आप एक इस तरह के पिटारे को खोल रहे हैं जिससे भारत, जो आज का भारत है, रियासतों से मिलकर बने हुए राज्यों का भारत है, उसकी एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली आवाजों को हम किस तरह से समर्थन दे सकते हैं, मेरी समझ से परे। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे कश्मीर में सेना द्वारा आतंकी के बेटे को बचाने की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।